वेलकम टू धनुका एग्री एकेडमी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो है कुछ कंट्रोवर्सियल टॉपिक पर और कुछ हिस्ट्री पर, ठीक है। तो जैसे कि मेरा पिछला लेक्चर था जेनेटिक्स, व्हाट इज जेनेटिक्स एंड जीन, एंड देन सेकंड लेक्चर था ब्रांचेस ऑफ जेनेटिक्स। अब ब्रांचेस ऑफ जेनेटिक्स में मैंने बहुत सारे डिविजन्स बताए थे जेनेटिक्स में आपको कौन से ब्रांचेस की स्टडी करनी है, ठीक है। अब हम उसी ब्रांचेस को स्टडी करने के लिए हमको थोड़ा सा जेनेटिक की हिस्ट्री जानना जरूरी है, ठीक है। और ये हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हिस्ट्री से आते हैं, तो हिस्ट्री को हमको एक एक करके जानना जरूरी है। और आपके समझने और आपको याद करने के लिए मैंने इसको इजीएस्ट वे में आपके लिए वीडियो तैयार किया हूं और आपको क्लियर कट बताऊंगा कि हुआ क्या था, ठीक है। तो एक सिंपल से क्वेश्चन से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं कि वेयर डज कम लाइफ फ्रॉम, ठीक है, कि हमारा जो लाइफ है वो कहां से आया। अब ये एक कंट्रोवर्सियल टॉपिक है और कंट्रोवर्सियल क्वेश्चंस है, क्योंकि इस पे बहुत सारे डिबेट्स थे। अब मैं उस सारे डिबेट्स को तो क्लियर कट बताऊंगा नहीं, क्योंकि सब साइंटिस्टों का मत अलग अलग था। अब जो चीज़ सही है नहीं, मैं उसको डिस्कस करके कोई मतलब नहीं है। तो मैं सीधी सीधी ये बात बताऊंगा कि क्या चीज़ प्रूफ किए थे उन्होंने, क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ यही आता है कि अगर किसी फॉर एग्ज़ाम्पल रेड्डी के एक्सपेरिमेंट से आ गया, तो रेड्डी ने क्या किया था और रेड्डी का रिजल्ट क्या था, रेड्डी डिसअप्रूव क्यों हुआ था और रेड्डी का एक्सपेरिमेंट किसके एक्सपेरिमेंट के बाद आया था। अब भाई इतना सारे क्वेश्चन है, जब आपके सामने जब क्वेश्चन होगा इस टाइप के, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि इसके बाद ये आया था या इसके बाद ये आया था, तो उसी चीज़ को हम लोग क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने क्वेश्चन पूछा कि लाइफ का अराइज या फिर लाइफ कहाँ से आया, ठीक है। तो अगर आप कमेंट में आपका अपना आंसर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, ठीक है। लेकिन मैं अगर साइंटिस्टों की मानूं और कुछ डिबेटफुली पर्संस की अगर मैं बात करूं, तो उनके जो टॉपिक्स थे कुछ इस तरह थे, मैंने उसको 5 भाग में डिवाइड कर दिया कि आंसर्स किस तरह से किस तरीके से मिल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो नॉन लिविंग मैटर से हमारा लाइफ अराइज हुआ, ठीक है। नॉन लिविंग मैटर से अराइज हुआ, इसी बात पर तो कंट्रोवर्सियल थी। इसी बात को तो जानने के लिए हमने क्या किया, आगे की रिसर्च किया रेड्डी ने, निधम ने, है ना, बहुत सारे रिसर्च किए। अब दूसरा चीज़ आता है कि वो बात तो ठीक है, अब दूसरा रिलीजन्स थ्योरी में जाओ, तो जहाँ पर गॉड की बात होती है, ठीक है, जहाँ पर बात की जाती है कि गॉड ने ही सब कुछ बनाया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर ह्यूमन, पेड़ पौधे और सारे ऑर्गेनिज्म को गॉड ने बनाया, ठीक है। चलो ठीक है, इस बात को अभी हम मानते हैं, हम इस बात को भी, बट साइंटिस्ट और फिलोसफर्स इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब फिलोसफियर जो फिलोसफर थे, वो फिजिक्स, अपना जो फिजिक्स होता है कि प्लैनेट हमारा एक नया प्लैनेट बना, सन से प्लैनेट बना, उसके बाद धीरे धीरे प्लैनेट ठंडा हुआ, प्लैनेट ठंडा होने के बाद हमारा जो है अर्थ का एवोल्यूशन हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऑटोमेटिक क्या हुआ, सड़ते गया मास, उसमें प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, सारे चीज़ें आए, ये सब फिलोसफी में बोला जाता, ठीक है। अब दूसरी, अब इसके बाद में साइंस को ये चीज़ पसंद नहीं थी भाई साहब, तो साइंस ने क्या किया, वो कहते थे कि बैक्टीरिया में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी पहली जनरेशन हुई वो रॉटन मटेरियल में आते थे। और साइंस में एक कहानी याद आ रही मेरे को, जिसमें कहा जाता था कि भाई अगर आपके पास पसीने से लथपथ आपके पास सैंडो है, बनियाइन है, उसको आप रात भर के लिए एक अंधेरे बॉक्स में रख दो, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट आ जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं ऑटोमेटिक। तो उस चीज़ को लेकर भी कहा गया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन सही बात है। अब लास्ट में बात करूंगा चार्ल्स डार्विन की। अब चार्ल्स डार्विन जी ने जो था, उन्होंने जब अपना रिसर्च किया, तो उन्होंने भी ये चीज़ कहा कि हमारा जो एवोल्यूशन है वो ऑटोमेटिक हुआ, जनरेशन आफ्टर जनरेशन हुआ है। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि हमारे पूर्वज बंदर हैं, जो आज की इस थ्योरी में डिसअप्रूव्ड है। और मैं चार्ल्स डार्विन की बात नहीं करूंगा, आज हम सिर्फ और सिर्फ ओनली देखेंगे व्हाट इज द स्पॉन्टेनियस जनरेशन एंड व्हाट इज द एक्सपॉन्टेनियस जनरेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे इसके एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है, मतलब कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन को एक्सप्लेनेशन देने के लिए कौन कौन साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे। तो इंडिविजुअल इन्वॉल्व थे वॉन हेलमेंट, रेड्डी, निधम, एंड नेक्स्ट इज अरिस्टोटल एंड स्पलेंजानी एंड पाश्चर,
ठीक है, इतने साइंटिस्ट यहाँ पर इन्वॉल्व थे। अब हम सारे साइंटिस्ट का एक एक करके रिसर्च और स्टडी देखेंगे, ठीक है। शॉर्ट में, ब्रीफ में, आपको बिल्कुल बोर नहीं करने का हमारा मकसद है, आपको ये समझाना है। तो वीडियो में पूरा कंप्लीट बने रहिएगा, पूरा देखिएगा, आपको अच्छी अच्छी बातें जानने को मिलेगी, ठीक है, और अच्छी चीज़ें जानने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम, स्टार्टेड जो इस थ्योरी के लिए एक्सप्लेनेशन देने की बात की थी वो सबसे पहले एरिस्टोटल ने की थी, क्योंकि एरिस्टोटल हम जानते हैं वो फादर ऑफ बायोलॉजी है, और उन्होंने स्टार्ट किया था 384-322 BC में, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था। उन्होंने बहुत सारे कंट्रोवर्सियल एक्सपेरिमेंट देखे हैं, चूहे का जन्म कहाँ से हो रहा है, नदी के किनारे, या फिर जितने भी ग्रेन होते हैं हमारे, ग्रेन सड़े ग्रेन में कोई प्रोडक्ट या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उत्पन्न हो रहा है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो हमारे एरिस्टोटल जी ने थे उन्होंने सीधा सीधा स्टेटमेंट दे दिया। स्टेटमेंट ये था कि द नोशन दैट लाइफ कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, ठीक है, उन्होंने सीधे यही बात कह दिया कि हमारा जो लाइफ है अराइज होता है नॉन लिविंग मैटर से। लेकिन ये बहुत हद तक गलत थी ये बात। क्यों ये बात गलत किनको लगी? रेड्डी जी को। तो रेड्डीज के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने स्टार्ट किया था 1626 से लेकर के 1697 तक की इसका एक्सपेरिमेंट चला था, ठीक है। अब ये छोटे छोटे बातों को आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन उठ सकता है कि भाई कहाँ से कहाँ तक किया था। अब मैंने जैसे स्टार्टिंग फिर से मैं आपको बता दूं, एरिस्टोटल ने स्टार्ट किया, उसका स्टेटमेंट था, उसका स्टेटमेंट क्लियर कट ये था कि नॉन लिविंग मैटर से हमारा लाइफ अराइज हुआ है, ठीक है। अब ये बात किसको गलत लगी? रेड्डी को गलत लगी। तो अब रेड्डी भी अपना एक्सपेरिमेंट करेगा, है ना, वो तो जाहिर सी बात है। तो अब रेड्डी का एक्सपेरिमेंट क्या था ये जानते हैं। रेड्डी का एक्सपेरिमेंट ये था, रेड्डी ने तीन कंटेनर लिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने तीन कंटेनर बनाया हूँ, ये पहला कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर, ये तीसरा कंटेनर, ठीक है। पहले कंटेनर में उसने जो इसका जो माउथ था कंटेनर का उसको ओपन रखा, ठीक है, यहाँ पे रॉटन मीट, ये यहाँ पे याद रखना ये क्या है, रॉटन मीट है, रॉटन मीट को इन्होंने रखा। अब रॉटन मीट को रखने के बाद एक कंटेनर में उन्होंने टाइटली सील पैक्ड कर दिया उन्होंने, ठीक है, और जो थर्ड कंटेनर था उसको गेज, मतलब एकदम कम mm के गेज, ऐसे जाले नुमा स्ट्रक्चर से उसको ढक दिया, ठीक है। अब इतना करने के बाद उन्होंने अपना रिजल्ट देखा, तो पहले वाले जो कंटेनर था उसमें जो रॉटन मीट था, जो मांस था सड़ा हुआ, उस पर मक्खियां जो थी उत्पन्न हो गई, है ना, ऊपर भी नीचे भी मांस में सब जगह। अब जो सेकंड कंटेनर था उसमें तो कुछ था ही नहीं भाई, ओके, वो तो एकदम खाली। उसके बाद में जो थर्ड कंटेनर देखा उसमें गेज, अब ये जाली नुमा स्ट्रक्चर में यहाँ पर मक्खियाँ आ गई थी लेकिन इंटर नहीं कर पाई। अब वो आने का रीज़न ये था कि भाई सड़ा हुआ मांस रखा है, वो अपना एयर ऊपर की ओर जा रहा है, एयर मक्खियों को पता चला सड़ा हुआ चीज़ है तो अटैक करने के लिए वो यहाँ पर आ गए, उनको लेकिन ये नहीं पता था कि यहाँ जाली लगा तो इंटर नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया कि एरिस्टोटल ने गलत कहा था भाई साहब, उन्होंने कह दिया था कि ये नॉन लिविंग मैटर से होता है, बट नॉन लिविंग मैटर से अगर जीव की उत्पत्ति हो जाती तो यहाँ पर क्यों मक्खियाँ नहीं आती, यहाँ पर मक्खियाँ प्रेजेंट नहीं है, इसका रीज़न क्या हुआ? फिर उसका तो कोई रीज़न ही नहीं था। तो सीधी सीधी बात रेड्डी ने कहा कि भाई स्पॉन्टेनियस जनरेशन तो होता नहीं है। अब उसके भी एक्सपेरिमेंट को बहुत सारे साइंटिस्ट लोग डिबेट किए, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग ने उसको एजप्शंस दिए, नहीं नहीं तुम्हारा थ्योरी गलत है, ठीक है। अब इस बात को प्रूव करने के लिए हमारे पास निधम, एक साइंटिस्ट आए थे निधम, तो याद रखना अब ये हम तीसरे साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं। निधम ने क्या किया था, जो रॉटन मीट था, ठीक है, यहीं पर मैं समझाता हूँ इजिली, रॉटन मीट को उन्होंने क्या किया था, बॉईल किया था, ठीक है, बॉईल किया था। अब बॉईल किया तो जाहिर सी बात है हमको इसके बाद से हमको ये पता चला कि हम जब किसी वाटर है या किसी पदार्थ को बॉईल करते हैं तो उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, सब सारे नष्ट हो जाते हैं। क्यों? वो उसका रीज़न ये था क्योंकि जो हीट एयर होते हैं, हीट एयर में वाइटल फोर्स नहीं होती या लाइफ नहीं होता, हीट एयर में लाइफ नहीं होता, ये चीज़ हुआ, ठीक है। तो अब ये निधम ने कर दिया बॉयल। अब उसके बाद सेम चीज़ उन्होंने भी देखी, बॉयल वाले कंटेनर को इसे पैक कर दिया, मान के चलो ये बॉयल आपका मीट है, इसको उन्होंने क्या कर दिया, रख दिया कितने दिन के लिए, 7 days के लिए। 7 days के बाद उन्होंने इसको ओपन करके देखा, इस कंटेनर को, तो देखा इस पर बिल्कुल भी क्या था, बिल्कुल भी इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म था ही नहीं,
तो अब फिर से दूसरी बार क्या हुआ, अरिस्टोटल जिन्होंने कह दिया था कि नॉन लिविंग मैटर से हमारा उत्पत्ति हुआ है, वो चीज़ बिल्कुल गलत हो गई। ठीक है, अब तीसरी चीज़ आती है हमारी, इस बात का निधम को सपोर्ट करते करते स्प्लांजानी ने, स्प्लांजानी जो थे वो भी साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने भी सेम चीज को एक कंटेनर में नहीं, बार बार दो तीन कंटेनर में, ऐसे ऐसे कई कंटेनर में करके देखा, कई दिनों तक करके देखा। यानी के बाद से ये थ्योरी क्या हो गई थी, बिल्कुल भी डिसअप्रूव हो गई थी कि हम स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या हो गया, क्या कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन होता नहीं है, ये गलत बात है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा फाइनली जो पाश्चर थे, ये सारे डिबेट, सारे साइंटिस्ट जितने भी इसमें इन्वॉल्व थे, इन सारे के थ्योरी और कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करते हुए उन्होंने अपना एक लास्ट कॉन्सेप्ट दिया जो अभी यूनिवर्सल उसको माना जाता है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडल था और थ्योरी थी, उस थ्योरी को सारे लोग पढ़ते हैं और वही एग्जाम में इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं इसको रफ करके लुईस पाश्चर की कुछ छोटे से एक्सपेरिमेंट को बताऊँगा, और तो आप वीडियो पर बने रहिए दोस्तों, मैं अब उसको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सारे साइंटिस्ट के डिबेट्स, कंट्रोवर्सियल हिस्ट्री को जान देखते हुए हमने आपको बता दिया कि फाइनली वो सारे जितने भी डिबेट्स थे, जितने भी थ्योरी थी, वो सब रिजेक्ट हो चुकी थी, डिसअप्रूव हो चुकी थी। अब उस डिसअप्रूव करने के पीछे कौन से ऐसी थ्योरी का मेन हाथ था और कौन से साइंटिस्ट जो थे इसमें इन्वॉल्व थे, तो मैं आपको बताना चाहूँ, लुईस पाश्चर। दोस्तों, लुईस पाश्चर जी ने जो थ्योरी दी थी वो थ्योरी हम आपको धीरे से बताते हैं। सबसे पहले लुईस पाश्चर का इंट्रो देख लेते हैं। लुईस पाश्चर जो थे वो फ्रेंच केमिस्ट थे, ओके। देन माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सड़न में उनका क्या योगदान था, उसकी स्टडी करना माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। तो हाल ही में उनकी स्टडी फर्मेंटेशन पे चली रही थी और उसके बाद उनको ये चैलेंज मिला, उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया कि मेरे को डिसअप्रूव करना है इस थ्योरी को और मेरे को बताना है कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं हुआ था हमारा। तो उस काम को जब उन्होंने प्रूफ किया तो उनको प्राइज भी मिला था। ये क्वेश्चन आपको GRF एग्ज़ाम या फिर एग्ज़ाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो उसको ये प्राइज़ मिला था, प्राइस ऑफ पेरिस एकेडमी ऑफ साइंस 1862 में उनको ये प्राइज मिला था, ठीक है। तो दोस्तों, क्या कहते थे हमारे जो लुईस पाश्चर जी है, वो 1864 में उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था अपने फ्रेंच, क्योंकि वो फ्रेंच थे, फ्रेंचिस्ट थे, तो वो फ्रेंच में अपना भाषा में लिखा था कि ओमेन वाइवम एक्स वीवो। इसका हिंदी में मतलब होता है कि लाइफ ओनली कम्स फ्रॉम लाइफ, कि जो लाइफ होता है वो एक दूसरी लाइफ से ही आता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ कही थी कि लाइफ इज़ द जर्म एंड जर्म इज़ द लाइफ, ठीक है। तो ये भी काफ़ी हद तक के लोगों ने इसे सराहा। और दोस्तों, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताया। उन्होंने इस स्प्लांजानी के जो एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा कि उन्होंने जब बॉईल किया था फ्लास्क को, तो उस पर बिल्कुल मांस जो मीट था उस पर बिल्कुल फंगस या बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं हुए थे। उसी तरीके से इन्होंने भी उसको बॉइल किया, बट फर्क ये था कि उन्होंने कॉटन जो था, क्वार्टन को उसको सील पैक्ड किया, और सील पैक्ड करने के बाद 7 डेज उन्होंने देखा, और जब ये फ्लास्क ठंडा हो गया तब उसको खोल कर देखा तो उनको पता चला कि यहाँ पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी प्रोटोजोआ बैक्टीरिया प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो इससे फाइनली प्रूव हो गया कि वाइटल फोर्स अलग चीज़ हो गई, और जो फ्लास्क होता है उस पर सेल्फ कभी भी जो बैक्टीरिया है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है रॉटन के लिए रिस्पॉन्सिबल, वो नहीं आ सकता। तो उन्होंने एक मेन चीज़ ये कहा कि जब कोई भी मटेरियल्स, कोई भी मीट को ले लो या कोई भी सड़ा कोई पदार्थ है, वो सड़ता कब है, जब वो माइक्रोबियल एजेंट के कांटेक्ट में आता है, चाहे वो फंगस हो या बैक्टीरिया हो या कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, प्रोटोजोआ हो, उसके कांटेक्ट में आने के बाद वो सड़ता है, ना कि उसके सड़ने के बाद उसके कांटेक्ट में आता है। ये उल्टा थ्योरी कही जा रही थी, और इससे ये समझ में आता है कि एक सोशल मैसेज ये है कि भाई आप जितने भी लोग जो है
अपना कंट्रोवर्सियल थ्योरी देते हैं उसको आप इजिली प्रूफ नहीं कर सकते, इजिली आप उसको मान नहीं सकते। आप अपना भी थोड़ा गूगल दिमाग लगाइए, सर्च वर्च कीजिए, उसके बाद में उस थ्योरी को आप क्या करिए, अप्रूव कीजिए और मानो और उसको पढ़ो, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें और ज़रूरतमंदों तक इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल में अगर पहली बार आए हैं और जेनेटिक की वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल्सो क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। आप मुझे फेसबुक ग्रुप पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा फेसबुक ग्रुप है इंडियन एग्रीकल्चर स्टूडेंट प्लांट साइंस IAS।